आसाराम बापू जी की तबीयत ख़राब है, तो उनका इलाज करवाने के लिए उनके भक्त जो है मांग कर रहे हैं कि दिल्ली के एम्स अस्पताल में किया जाए, तो इस जी विषय पर क्या कहना चाहोगे सर आप? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। संत आशाराम बापू 85 साल के हो चुके हैं, विभिन्न बीमारियों से उम्र की वजह से भी ग्रस्त हैं, ताने बाने की वजह से भी ग्रस्त हैं, और जो जेल में रहता है उसकी टेंशन, उसकी मानसिक दशा, उसकी मनोस्थिति, उसकी मना की स्थिति कितनी बड़ी हो जाती है ये कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। जाके पैर न फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जिसके दर्द होता वही जानता है क्या दर्द। तो जो रहा हो जेलों में उसे पता रहता है। उनसे पूछिए, आप उनके परिवार से पूछिए। जब इस देश में आतंकवादियों को जिन्होंने कितने लोगों का कत्ल किया, बम ब्लास्ट किया, मुंबई बम ब्लास्ट किया, करोल बाग बम ब्लास्ट किया, जयपुर बम ब्लास्ट किया, वाराणसी बम ब्लास्ट किया, बम ब्लास्टों की लाइन लगा दी, नरसंहार करने पर लाइन लगा दी, आतंकवादी थे, आप उन्हें भी इलाज देते हैं, आप उनका भी ट्रीटमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि यही तो हमारे संविधान की खूबसूरती है, यही तो हमारे संविधान की गरिमा है, यही महत्वता है, यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान निर्मात्र समिति के आधार पर जो कानून संविधान ने बना, निर्मात समिति ने बनाए, अध्यक्षता जिसकी अंबेडकर की और भी सदस्य थे, यही उसकी खूबसूरती है कि हम बदले की भावना से काम नहीं करते हैं। कानून अपना करेगा, न्यायपालिका अपना करेगी, इसलिए हम आतंकवादियों को भी इलाज कराते हैं। तो क्या संत आशाराम बापू आतंकवादियों से भी कोई बड़े आतंकवादी हैं? क्या आतंकवादी हैं? क्या क्या आप कोई और उन्हें दर्जा देना चाहते हैं? कन्विक्टेड हैं, उनकी अपील पेंडिंग है, प्रोसीडिंग चल रही है। यदि इंटरिम बेल उनके इलाज के लिए मिल जाती है, यदि अंतरिम रूप से उनका इलाज हो जाता है, किस एम्स में हो जाता है, बड़े बड़े अस्पतालों में हो जाता है, तो फिर क्या समस्या आ जाती है, किस तरह की बात आ जाती है, क्या विडंबना है, क्या प्रॉब्लम है? इसलिए हमारा ये बहुत बड़ी न्यायपालिका सिस्टम से और देश की सरकारों से, देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, वो देश के राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रपति हैं, उन्हें इस पर सोचना चाहिए। और गुजरात से आ रहे हैं, कहां गुजरात की बहुत बड़ी चर्चा हो रही है, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, अडानी जी, अंबानी जी, सबकी चर्चाएं बहुत सुपर लेवल पे होती हैं। तो संत आसाराम बापू जी तो गुजरात से थे, उन्होंने भी तो गुजरात का नाम रोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने भक्तिभाव पैदा करने में लोगों को कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने वैलेंटाइन डे खत्म करके अगर माता पिता दिवस मनाने की बात की है तो कोई बुराई तो नहीं थी। उन्होंने परिवार के लिए, ब्रह्मचर्य के लिए, सब चरित्र के लिए, अपने अच्छे चरित्र के लिए, अपने अच्छे परिवार के लिए, अच्छे समाज के लिए, अच्छे निर्माण के अगर कोई काम किया तो गलत तो नहीं किया। अगर उन्होंने ईसाई मिशनरियों के लिए लड़ाई लड़ी संत आसाराम बापू ने, तो इसमें गलत क्या था? ईसाई मिशनरियां हमारे देश में घुस रही थी, उनको रोकने के लिए अगर संत आसाराम बापू ने कोई काम किया है तो गलत तो नहीं किया। जैसे कि